सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर ले, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ले, जिससे हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट की वीडियो आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। आप कुछ लोग बोल रहे होंगे भैया आपको याद आई गया कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है। अरे थोड़े बहुत एग्जाम्स चल रहे थे यार, इस वजह से रेगुलर कंटेंट नहीं आ पा रहा था, रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बट टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और व्हाट्सएप मेंटरशिप ग्रुप पे काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। मेंटरशिप आपने अभी तक नहीं लिया तो 150 रुपीज की मेंटरशिप है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। गूगल फॉर्म भरिए, पर्सनल मेंटरशिप हमारी गूगल मीट्स वगैरह भी होती रहती है, तो आपको टाइम टू टाइम हम मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं जेई मेन से रिलेटेड, ठीक है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। अब जो मेरे पास मेन डाउट आ रहे हैं बच्चों को, उसमें सबसे पहला डाउट तो मेरे पास क्या आ रहा है, सबसे पहला डाउट तो मेरे पास ये आ रहा है कि भैया जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका एडमिट कार्ड कब आएगा। दूसरा मेरे पास एक डाउट ये आ रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब तक हो सकता है। और थर्ड और इंपॉर्टेंट डाउट मेरे पास ये आ रहा है कि जो मेरे पास जेई मेन्स 2022 अभी आया है, ठीक है, जेई मेन्स 2022, इसके फर्दर पोस्टपोनमेंट के कितने चांसेस हैं, ठीक है, फर्दर ये पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मेरे पास मेजर डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसके फर्दर पोस्टपोनमेंट के चांसेस कितने हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इस मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जेई मेन्स 2022 के पोस्टपोन होने के चांसेस कितने हैं। तो देखो अगर अभी मैं बात करूं तो फिलहाल कोविड केसेस कंट्री के अंदर राइज कर रहे हैं। अगर आप अच्छे खासे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा इस मंथ का भी एवरेज आउट जो मेन स्टेट्स है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उनके अंदर भी आप देखोगे तो लास्ट 7 डेज के एवरेज में आपके पास 3108 के आसपास लगभग इतने केसेस आए हैं और डेली 3000+ केस इन स्टेट्स में मिल रहे हैं। बट अब एज पर ओपिनियन क्या है कि आपने पहले एक्सटेंशन मांगा था और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2.5 मंथ्स एग्जाम को ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया है, तो मेरे ओपिनियन में अब एग्जाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए और आप भी नहीं चाहेंगे कि अब और फर्दर एग्जाम जून से भी आगे पोस्टपोन हो जाए, ठीक है, कोई पॉइंट ही निकलता उस बात का कि अब फिर से इस एग्जाम को पोस्टपोन कराया जाए, ठीक है। अब ये जो भी जिस टाइम पे आ गया उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू मी कंडक्ट हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ और भगवान से दुआ करो कि अगर ये केसेस 30K 40K पहुंच पहुंचे, ठीक है, क्योंकि अगर ये पहुंच गए तो फिर तो पोस्टपोन करना ही पड़ जाएगा गवर्नमेंट को, क्योंकि बच्चों की हेल्थ से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज इंपॉर्टेंस मैटर नहीं करती। अगर इतने केसेस आ रहे हैं तो पोस्टपोन कराई कर दिया जाएगा। आपके 50 दिन है अभी एग्जाम में, तो अगर 50 डेज बाद ये सिचुएशन इतनी जंप कर जाती है, 10 टाइम्स जंप हो जाता है, तो पोस्टपोन हो सकता है, अदरवाइज आपका एग्जाम पोस्टपोन होने के चांस फिलहाल तो 0% है, 0% कोई चांस आपके एग्जाम पोस्टपोन होने के नहीं है। और आप भगवान से यही दुआ करो कि केसेस और ज्यादा कम हो, ज्यादा बड़े नहीं, तो हमारी एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी अभी पोस्टपोन नहीं होने चाहिए। सेकंड अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन आपका कभी भी स्टार्ट हो सकता है विद इन कमिंग वीक, कभी भी एनी टाइम सून आपका सेकंड अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है, तो उसके लिए आप चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिए। सबसे पहले आपको क्रेजी प्रेप के थ्रू पता लग जाएगा जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद जो मेन डाउट बच्चों का ये आ रहा है कि जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसका जो भी हमारे पास एडमिट कार्ड है वो कब तक रिलीज कर दिया जाएगा, तो ये हमेशा 15-20 डेज प्रायर टू एग्जाम एग्जामिनेशन निकाल दिया जाता है। अगर आपका एग्जाम 20th जून से है, ठीक है, 20th जून से एग्जाम है, तो आपका ये एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए 5th से लेके 7th या 8th जून तक, ठीक है, 15 से 20 दिन, तो मतलब जून का जो फर्स्ट वीक रहेगा ना, 1st से 7th जून तक, तब आपके एडमिट कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी बन रही है। 100% चांस है कि आपका 15 डेज प्रायर टू एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाए। उसके अलावा जो सेकंड अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन है, इसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये दोबारा से 15 मई के आसपास से रिशेड्यूल होकर 15 मई के आसपास से शुरू हो, ये अभी एक्सपेक्टेड है, ये डेट हो सकती है, मोस्ट क्लोजेस्ट डेट है 15 मई जब आपका सेकंड अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है और एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून तक फर्स्ट अटेम्प्ट का, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, वी विल बी हैप्पी टू आंसर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मेंटरशिप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी पढ़ते रहो, हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।